ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पवित्र भागवत वाणी को स्वागत दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करवा श्रीमद भागवतर प्रथम स्कंद अंतर्गत त्रयोदश अध्यायस्थ 16-19 पदावली उपरे। पदावली भितरे जो सार कथा आसंती से संपर्क रे आपण माने गत अध्याय रे सुनि सारिछंती एवं सेई सार कथा को नेई आज भागवतकार श्रील जगन्नाथ दास कौन कहउछंती आसंतु जानिबा। सकल पूजा विधि करी राजन करे कर धरी। भागवत दर्शक बंधु केवल आत्मा परमात्मांगर कथा कहे ना, भक्त भगवानंगर कथा कहे ना, बरं कहे आचरण सहित उच्चारण कथा। आज जड़े धर्मात्मा जड़े संतं सहित किभली मिलित हुंती तार उदाहरण तार दिग्दर्शन दिंती भागवत, जे समस्ते से संत विदुरंकर पूजा विधि करुछंती निज निजर विश्वास अनुसारे एवं महाराजा युधिष्ठिर तांकर हात धरी आदर सत्कार करी आसन रे बसाउछंती। विदुरे बसाई आसने पासे भुंजाई सुख मने। सर्वश्रेष्ठ सम्मान देले आसन रे बसेले हात धरी एवं पाखरे बसी खुआइले। तार बदन राजा चाही आनंदे घेनी चारि भाई। आनंद सहकारे आज अनौछंती चाहूछंती तांकर मुख कमल को से जो दिव्य ज्योति फुटी उठिची आत्मज्ञान द्वारा ताहा को अनुभव करुछंती धर्मपालक युधिष्ठिर महाराज। चारि भाई को संगरे धरी आज पूजा करुछंती। दर्शक बंधु जेतेबेले आमे संत दर्शन करे सेतेबेले एकुटिया जाई संत दर्शन करिबा अपेक्षा परिवार वर्गंकु भाई मानंकु बंधु परिजनंकु नेई संत दर्शन कले सेमाने मध्य संत दर्शनर पुण्य फल को लाभ करंती। एकथा मध्य भागवत आमको उपदेश दियंती। उच्चे पचारे प्रीति बाणी जेसने सर्वलोक सुनी। संत महात्मांकु जेतेबेले आमे दर्शन करे सेतेबेले आमे आनंद परिपूर्ण एवं सुमिष्ट कथा केई पद तांकु पचारिले से संतुष्ट हुंती। हानि लाभर कथा पचारिले आत्मदर्शी सेथिरे कर्णपात करे नाही। सुख दुखर कथा ठारू से बहुत ऊर्ध्वरे। तेणु आपण महाशय भल अछंती तो तीर्थाटन सुंदर भावरे परिपूर्ण हेला तो केमिति अछंती किभली भावरे ए पाद पकाई आमको कृतार्थ कले एइभली प्रीतिपूर्ण वाणी आज सर्वसमक्षरे युधिष्ठिर महाराज तोळुछंती महात्मा विदुरंक उद्देश्यरे। दर्शक बंधु एथुरु गोटे कथा आमे शिखिबा जे संतंकु जेतेबेले दर्शन करिबा तांको सहित किभली भावरे आचार व्यवहार करिबा से संपर्करे भागवत वाणी को आमे कामरे लगाई आसंतु आमर जीवन को धन्य करिबा। जय जगन्नाथ।